नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वाइपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले चेन्नई हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस चैनल पर नया हो और इसी तरह के वीडियोज और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों भारत में सेकंड नंबर से शुरू हुई ये दुरंतो एक्सप्रेस है। इस ट्रेन को 2009-10 के रेलवे बजट में रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ऐड किया था, यानी कि शुरू किया था 21 सितंबर 2009 में। दोस्तों ये दुरंतो एक्सप्रेस भारत की पहली ट्रेन थी जो स्लीपर क्लास में इंट्रोड्यूस हुई थी। सदर्न रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है और ये ट्रेन तमिलनाडु को देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट करा दी है। दोस्तों इस ट्रेन का नंबर देखा जाए तो 12269 अप और 12270 डाउन है। ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक चलती है। दोस्तों आपको बता दूं ये ट्रेन अपने रूट में राजधानी एक्सप्रेस जैसे प्रीमियम ट्रेन से भी कम समय में दिल्ली पहुंचाती है। दोस्तों ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से मंडे और फ्राइडे को चलती है और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ट्यूसडे और सैटरडे को चलती है। ये ट्रेन टोटल 2175 किलोमीटर का डिस्टेंस 28 घंटे 5 मिनट में 6 हॉर्स लेकर तय करती है। दूसरी ये ट्रेन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जाती है और इस ट्रेन का आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक एक हॉल्ट होता है, वही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो दो हॉल्ट होते हैं। दोस्तों इस ट्रेन में स्लीपर क्लास, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी क्लास के कोच लगे होते हैं, जिनमें 6 स्लीपर क्लास के, 6 एसी 3 टायर क्लास के, 2 एसी 2 टायर के और एक फर्स्ट एसी क्लास का कोच लगा होता है। साथ ही एक पेंट्री कार, एक एसएलआर कार और एक यूजी कार का कोच लगा होता है, जो ट्रेन में टोटल 18 कोच लगे होते हैं। दोस्तों ट्रेन को रोयापुरम या इरोड सीट का WAP-7 लोगो ट्रैक्शन देता है और ट्रेन इंटायर जर्नी में चलते ही रहती है इस लोगो के साथ। साथ ही ये ट्रेन फुल्ली LHB रैक्स में आती है। दोस्तों इस दुरंतो एक्सप्रेस का किराया देखे तो चेन्नई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक का एक एडल का स्लीपर क्लास में 1440 रुपए होता है, एसी 3 टायर में 3350 रुपए का होता है, एसी 2 टायर में 5215 रुपए होता है और फर्स्ट एसी क्लास में 6940 रुपए होता है। दोस्तों ये जो किराया आपको फर्स्ट एसी का है ना, वो ऑलमोस्ट एक फ्लाइट के बराबर ही है, यानी कि एक फ्लाइट का लगभग इसके आसपास ही किराया होता है चेन्नई से दिल्ली तक का। सबसे अगर लो एसी के या मीडियम में यही किराया होता है। तो दोस्तों अब आप सोच के देखिए कि फ्लाइट में जाना है आपको या ट्रेन में जाना है। वेल दोस्तों 12269 दुरंतो एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल से सुबह 6:35 AM को डिपार्ट होती है और एक नाइट के बाद हजरत निजामुद्दीन मॉर्निंग में 10:40 AM को अराइव होती है। सिमिलरली ट्रेन नंबर 12270 दुरंतो एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोपहर में 3:55 PM को डिपार्ट होती है और एक नाइट के बाद चेन्नई सेंट्रल शाम में 8:55 PM को अराइव होती है और ये ट्रेन 29 घंटे लेती है जर्नी में, ट्रेन नंबर 12270 दुरंतो एक्सप्रेस। दोस्तों ट्रेन की एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर तक होती है और मैक्स स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक होती है और ट्रेन की टॉप हाई स्पीड रानी कमलावती से झांसी जंक्शन 90 किलोमीटर पर आवर होती है और झांसी जंक्शन से ग्वालियर जंक्शन सबसे ज्यादा 101 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। ट्रेन के हॉल्ट्स विजयवाड़ा जंक्शन, बल्लारशाह, नागपुर जंक्शन, रानी कमलापति, झांसी जंक्शन और ग्वालियर जंक्शन होते हैं। दोस्तों ये ट्रेन जो है ना अपने जर्नी में इन बड़े बड़े स्टेशन को स्किप करती है, जैसे गुड़ूर जंक्शन, नेल्लोर, वारंगल, इटारसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन, बीना जंक्शन, आगरा कैंट और मथुरा जंक्शन जैसे रेलवे स्टेशन को स्किप करती है। ये तो दोस्तों मेन मेन रेलवे स्टेशन बताया और इससे भी ज्यादा रेलवे स्टेशन को स्किप करती है। देखा जाए तो ट्रेन अपने टोटल रूट में 333 रेलवे स्टेशन में से सिर्फ 6 ही स्टेशन पर हॉल्ट लेती है, बाकी सारे स्टेशन को ट्रेन स्किप करती है। अब जानते हैं दोस्तों ट्रेन का लास्ट पार्ट यानी कि टाइम टेबल। सबसे पहले दोस्तों ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से 6:35 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छूटती है और ट्रेन का पहला स्टॉप विजयवाड़ा जंक्शन आता है, जहां ट्रेन 12 PM को प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आती है और यह ट्रेन 10 मिनट रुकती है। दूसरा स्टॉप बल्लारशाह आता है, जहां ट्रेन 6 PM को 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती है और यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। तीसरा स्टॉप नागपुर जंक्शन आता है, जहां ट्रेन 8:40 PM को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है और यह ट्रेन 5 मिनट रुकती है। चौथा स्टॉप रानी कमलावती आती है, जहां ट्रेन 2:04 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है और यह ट्रेन 8 मिनट रुकती है। पांचवा स्टॉप झांसी जंक्शन आता है, जहां ट्रेन 5:30 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 4 या 5 पर आती है और यह ट्रेन 5 मिनट रुकती है। और छठवां और लास्ट हॉल्ट
ग्वालियर जंक्शन आता है जहाँ ट्रेन 6:33 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। और यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है और इसके बाद ट्रेन नॉन स्टॉप चलती रहती है और लास्ट हजरत निजामुद्दीन 10:40 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आती है। तो दोस्तों ये रही सारी इन्फॉर्मेशन चेन्नई सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस की। अब जानते हैं नेक्स्ट वीक यानी नेक्स्ट गुरुवार आपको जानने को मिलने वाली है हजरत निजामुद्दीन पुणे दुरंतो एक्सप्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों उस वीडियो का वेट कीजिए। इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, तभी आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आने वाली है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।